शाहजहांपुर जिला चिकित्सालय में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ पर जिला चिकित्सालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में लाहौरी निवासी परिजन डिलीवरी करवाने के लिए प्रसूता को जिला चिकित्सालय शाहजहांपुर में लाया गया था, लेकिन पीड़ित परिवार ने आरोप लगाते हुए कहा है कि डॉक्टर स्मिता सिंह ने रिश्वत के 12,000 रुपए मांगे हैं। रिश्वत नहीं देने पर प्रसूता की डिलीवरी नहीं की गई, जिसकी शिकायतें पीड़ित परिवार ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई करने की मांग भी की है। साथ ही कहा गया है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तुरंत हटना चाहिए। देश में जहां डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो वहीं चंद रुपयों के लालच में डॉक्टर हैवान बन जाते हैं। आए दिन जिला चिकित्सालय शाहजहांपुर में जिन प्रसूता की डिलीवरी करवाने लाते हैं, उन सभी से रिश्वत मांगी जा रही है। अगर परिजन रिश्वत नहीं दे पाते हैं तो उन्हें इंदौर रेफर कर दिया जाता है। उन्होंने बोला कि 12,000 रुपये जमा करो, उसके बाद में ऑपरेशन होगा। आज बोला था कि आज सुबह 8 बजे हो जाएगा, तो आज मना कर दिया। पैसे भी बोले कल होगा, पैसे नहीं देंगे तो ऑपरेशन नहीं होगा। राजेश भिलाला जी उनकी मिसेज पत्नी की डिलीवरी करवाने के लिए हॉस्पिटल गए थे, और मैडम स्मिता सिंह ने देखा, घर पे बुलाया घर पे, और मैडम ने बोला कि 12,000 रुपये अगर आप देते हो तो इसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, नहीं तो ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी होगी, और 12,000 रुपये की मांग की इनसे, नहीं तो मैं बाहर रेफ़र कर दूँगी कहीं। आए दिन ऐसा अस्पताल में लगा रहता है। इस आवेदन को लेकर हम लोग यहाँ आए थे राजेश भिलाला जी। मेरी वाइफ को मैं हॉस्पिटल लेके गया था स्नेलता मैडम के पास में, तो उन्होंने भी बोला कि सुबह भर्ती करा किया जाएगा 8 बजे, फिर ऑपरेशन का बोला गया। फिर ऑपरेशन के बाद उन्होंने बोला कि हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में काउंटर पर 12,000 रुपये जमा कीजिए, जब जाके ऑपरेशन किया जाएगा। फिर मेरे पास जब इतने पैसे रहते तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं एडमिट करवाता। शाहजहांपुर से दिलीप स्वराष्ट्र की रिपोर्ट।